चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, पिछली क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे वर्ग निकालते हैं दो अंकों की संख्याओं का, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्ग कैसे निकालते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, कैसे सीखा था कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 59 का आपने वर्ग निकालना है, 59 का स्क्वायर। तो क्या था मेथड? मेथड कहता था कि जो इकाई वाली जगह पे संख्या है उसका स्क्वायर करो। इकाई वाले पे क्या है? 9 है, 9 का स्क्वायर 81। भाई वाली जगह पे जो संख्या है यूनिट टेंथ प्लेस पे उसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, ठीक है, लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करना है? जितने भी अंक है सबकी आपस में गुणा कर दो। 5, 2 और 9 की। 5 गुणा 2 गुणा 9, 5 दुनी 10, 10 नमी 10, 9 जा 90। अब 90 लिखना कहाँ पे? आपने ये इकाई वाली जगह छोड़ दो और लास्ट से 90 लिख दो, आखिरी में जोड़ दीजिए। 8 और 0 8, 9 10 11 12 13 14, 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 4 8। यार एक बार कुछ सही करो प्लीज बेटा, दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही तो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम तीन बार कर लो। मैं रिपीट कर दूंगी पर आपको फिर भी सुनाई नहीं देगा ना, आप दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो। रिपीट में कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये तो था एक एग्जाम्पल। अगर मैं इसी के तरह एक और एग्जाम्पल ले लू, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 33 का। 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब मुझे पता है मुझे तो यहाँ पे दो अंकों की संख्या चाहिए ना, तो क्या लगा दूंगी आगे? जीरो। जीरो दो अंकों की बन गई, ठीक है। इस 3 का स्क्वायर 9, याद रखना हमेशा यहाँ पे मुझे दो अंकों की संख्या चाहिए होती है। अगर दो नहीं है दो अंकों की तो जीरो लगाना पड़ेगा। फिर 3, 2 और 3 की आपस में गुणा कर दो। 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9, 9 2 18। 18 को कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है, जोड़ दीजिए। 8 शून्य 8, 9 और 1 10, 1 शून्य 8 9 इसका वर्ग हो जाएगा, किसका? 33 का। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? आवाज क्लियर है और स्क्रीन भी सही नजर आ रही है बच्चे? यस मैम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए पोल में निकालने का। ठीक है, सवाल ये है कि 14 का वर्ग क्या होगा? देखो कुछ तो आपको याद होंगे 1 से लेके 20 तक के। कीजिए इसका आंसर, क्या आएगा? जल्दी से पोल में करेंगे सभी। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर करा, चारों का ठीक है, बढ़िया। मैम क्वेश्चन दे दो पॉल सेक्शन। बेटा स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्या?
मुझे समझ में नहीं आया आपने बोला क्या। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ चुका है जिसमें से 10 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम हमारा सही है बेटा, आप नाम नहीं आते लेकिन 14 में से 12 बच्चों का ठीक है आंसर। कीजिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी पोल में। चलिए 19 बच्चों का आ गया आंसर। 14 का स्क्वायर क्या होगा? 14 का वर्ग। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करेंगे आंसर बच्चे। बाकी बच्चे गुड। एकदम करेक्ट। देखो 14 का वैसे याद होना चाहिए, 196 होता है। अभी उस तरीके से कैसे निकलेगा? सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 2 गुणा 4 कितना आएगा? 8 आएगा। 8 यहाँ लिख दोगे एक के नीचे, अब जोड़ दो 6, 9, 1। 196 का उत्तर है सी। ठीक है, क्या हो गया बेटा? बेटा गलती से नहीं होना चाहिए। क्यों गलत करते हो जब क्वेश्चन आपके सामने है? सिंपल ऑप्शन ही तो टाइप करना होता है। गलत करो तो फिर मैं पोल का रिस्पांस भेजूंगी, फिर आपका पूरे में से पूरे नंबर कैसे आएंगे? इसलिए हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। ठीक है, कर दे दो। हाँ बेटा, अब जो अगला आएगा वो हमारा होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। देखो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। अब इसके अंदर मैंने एक संख्या लिख दी 25। मैंने बोला 25 से किसी संख्या का वर्गमूल होता है, तो आप क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओगे, मतलब एक तरह से एलसीएम करना है। 5, 5 जो 25, 5, 1 जा 5, है ना। 25 को आपने लिखा 5 गुणा 5। अब याद रखना, अगर आपको वर्गमूल नहीं लगाना ना ऊपर, तो वर्गमूल का मतलब ही घात 1/2 होता है। यदि आप वर्गमूल नहीं लगाना चाहते तो सिंपल घात में 1/2 लिख दो, 1/2 का मतलब ही वर्गमूल होता है। ठीक है, अब 5 गुणा 5 को आप क्या लिखोगे बेटा? 5 की घात 2। 5 गुणा 5 का मतलब 5 की घात 2 होता है, और इसकी पूरी घात 1/2 जो चल ही रहा है। अब एक नियम आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में कि a की घात m उसकी घात n का क्या मतलब होता है? कि दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। याद आया पहले चैप्टर में ये नियम? नहीं याद आया तो अभी हम पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा नियम वाले में, तो वहां पे आ जाएगा। तो ये नियम होता है, मतलब घात की घात हो तो दोनों घातों को गुणा कर दो, 2 गुणा 1/2। 2 से 2 को कैंसिल किया, क्या आया? 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 5। ऐसे आता है ये पूरा प्रोसीजर कि 25 का जो वर्गमूल है वो 5 होता है। सभी को समझ में आ गया? ये है पूरा प्रोसीजर। मैम एक बार और समझा दो। यस मैम, एक बार और समझा। बेटा 25 को आप 5 गुणा 5 लिखोगे, एलसीएम लेके निकाल दिया। 5 गुणा 5 का मतलब क्या होगा? 5 की घात 2, क्योंकि 5 2 बार लिखा है, तो मैंने उसे 5 की घात 2 लिख दिया। अब घात 1/2 ऑलरेडी चल रही है, कि 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब है वर्गमूल। तो वर्गमूल नहीं लगाओगे तो 1/2 लिखोगे घात में। फिर मैंने यहाँ पे नियम लगाया कि अगर घात हो फिर उसकी भी घात हो, क्या करना होता है? दोनों घातों की गुणा हो जाती है। 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया? 5 की घात 1,
और उत्तर क्या आ जाएगा, 5 उसका आ जाएगा। ठीक है यस मैम। बेटा लेट के क्लास क्यों ले रहे हो, भास्कर के नाम से जो बच्चा है, पढ़ाई हमेशा बैठ के की जाती है ना, लेट के थोड़ी ना की जाती है। बैठ जाओ। चलिए अब ये तो तरीका आपको पता है, आप भाज्य गुणनखंड विधि का है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे दूसरा तरीका देखना है, दूसरा तरीका। चलिए सीखते हैं कि हम कैसे किसी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि ये किस संख्या का वर्गमूल है, मैंने एक संख्या दे दी 529। सबसे पहले अगर आप इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओगे तो मुझे बताओ 529 किस संख्या से कैंसिल होगा, किस संख्या से कटेगा, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है? किस संख्या से होगा, 3 से? 3 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, ये हमारी ऐसी संख्या नहीं, 2 से तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, 2 से नहीं होगा, ये ऐसी संख्या है जो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट 23 से होगी, 23 से होगा। अब आप मुझे बताओ कि आप सोच सकते हो डायरेक्ट ये 23 से होगा, नहीं सोच सकते ना, इसीलिए ये मेथड मुझे सही नहीं लगता, तो इसलिए हम दूसरे तरीके से करेंगे कि किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उस मेथड को बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 529 लिख लिया, अब इसको दो दो के जोड़े में तोड़ लो, मतलब यहाँ से इसको दो ले लो, 29 एक जोड़ा बन गया और 5 बच गया, पहला स्टेप क्लियर। मैंने क्या किया, 529 को दो दो के जोड़े में तोड़ लिया लास्ट से, आखिरी से, तो 29 एक नंबर बन गया और 5 के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो 5 अकेला रह गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ इस तरीके की संख्या लेनी है कि यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसी संख्या है। कहने का क्या मतलब, अगर आप इसे नॉर्मल भाग देते तो आप बोलते कि यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 4 1 4, ऐसे करते आप, अगर मैं बोलती भाग दो ये तो करते 4 1 4, पर आपको ये नहीं करना, आपने यहाँ और यहाँ सेम अंक लेना है, सेम अंक मतलब ऐसे लोगे 2 2 4 या 3 3 9, मतलब वर्ग वाली संख्या आनी चाहिए। अब मुझे बताओ कौन सी संख्या है जो 5 से छोटी है इनमें से, 4 4 2 क्या लोगे, 2 2 4, मतलब यहाँ और यहाँ एक जैसा अंक होना चाहिए, मतलब हमेशा वर्ग वाला नंबर आएगा, है ना, वर्ग वाला नंबर आएगा तभी तो सेम होगा, 2 2 4। ठीक है अब क्या करो, माइनस कर दो, 5 में से 4 जाएंगे 1 आएगा, अब ये जो पूरा नंबर है 29, ये जो पूरा नंबर है 29 ये नीचे आ जाएगा, ये पूरा नंबर 29 मैंने नीचे ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है 2, इसमें फिर से यही नंबर जोड़ दो, 2 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा, 4। अब यहाँ हमारी एक अंक आएगा जो इस संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाला है 129 से। अब मुझे यहाँ पे एक अंक किस तरीके से लेना है कि यहाँ पे और यहाँ पे फिर से एक जैसा अंक आए, जैसे कि मैंने आपको बोला पहले भी, दोनों जगह एक जैसा अंक आना चाहिए। चलो देखते हैं कहने का मतलब क्या है मेरा, मतलब अगर मैं यहाँ पे लू 41, मान लो मैं यहाँ 1 ले रही हूँ तो यहाँ भी मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, 41 बन जा क्या होता है 41, लेकिन 41 तो इससे बहुत ही छोटा है ना, तो 41 नहीं लेंगे। और कोई संख्या देखो, 42 2 जा, चलो देखते हैं 42 2 जा क्या सही होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84 नहीं, ये भी छोटी है। अगला बढ़ते हैं 43 3 जा, देखते हैं 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हाँ ये तो सही है, 129 आ गया, तो क्या लोगे, 43 3 जा 129, तो ये किस संख्या का वर्गमूल हो गया जो ऊपर आई है 23। समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने? यस मैम। कुछ तो दिमाग में गया होगा, देखो 2 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ तभी अच्छे से आएगा, अभी फिलहाल इसे उतार लो, मैं एक और सवाल करवाऊंगी।
मैम जो दूसरे बॉक्स में थ्री आया है वो ऊपर चढ़ेगा। हाँ मतलब यहाँ जो संख्या लोगे ना वो ऊपर भी वही संख्या आनी चाहिए। यहाँ तीन था यहाँ तीन लिया, नीचे अगर दो था तो ऊपर भी दो लिया। एक और करवाती हूँ फिर अच्छे से आ जाएगा। उतार लिए सभी ने? Yes, चलिए इसे मिटा देती हूँ फिर मैं। मेरे को जाओ। ठीक है उतार लू। उतार लिया मैम। हाँ यही तरीका बढ़िया होता है, इसलिए सब आपको इसी तरीके से बताएंगे। ठीक है, इस तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कितनी भी बड़ी संख्या का निकाल सकते हैं। चलो अगला कबूतर। नंबर हम देखते हैं। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक म्यूट करो। अगला थोड़ा इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1 2 2 5। अब मुझे देखना है किस संख्या का वर्गमूल है। चलो सेम वही तरीका निकालना लगाना है यहाँ पे। बेटा पहला स्टेप तो लास्ट से दो दो के जोड़े बन गए, दो जोड़े 25 एक बन गया, 12 एक बन गया। अब फिर से नंबर लेना है। अब देखो 12 एक साथ आएगा यहाँ डिवाइड होने पे, क्या लोगे? 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, तो क्या लोगे बताओ जल्दी से, क्या लोगे? 3 3 9 सिक्सटीन लोगे या 4 4 16 लोगे? 3 लोगे? यस एकदम करेक्ट, 3 3 9 आ गया, दोनों जगह एक जैसा। 12 में से 9 जाएंगी, कितना बचेगा? 3। अब यहां से 25 पूरा नीचे उतार लो। अब अगला स्टेप क्या कहता था, जो ऊपर संख्या लिखी उसी में वही संख्या जोड़ दो। 3 में 3 जोड़ा 6 आया। अब यहाँ पे ये काम किस तरीके से आएगा कि ऊपर और नीचे एक जैसा अंक आए, ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या आए। तो चलो सिक्स स्टार्ट टू करते हैं। जाए अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, मतलब 62 2 जा, क्या होता है? 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 नहीं है तो छोटा हो रहा है। चलिए कुछ और देखते हैं, 64 4 जा करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 1 हासिल, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, ये भी छोटा हो रहा है, मतलब 4 भी नहीं आएगा यहाँ, 4 भी नहीं आएगा। मैं 5 को लेके चलती हूँ। चलो अब 65 5 जा 5 5 जा 25, 2 हासिल, 5 6 30 31 32 आ गया, 335 पांचवी बार। तो ये किस संख्या का वर्ग होगा, वर्गमूल होगा 35 का। क्लियर हो गया सभी को? यस यस मैम। अब मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस मैम। फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगी, फिर उसके बाद पोल में करेंगे सवाल। कर लिया नोट डाउन मैम, दे दो। ठीक है। चलो एक सवाल है आपके लिए। आपने वर्गमूल निकालना है। फोर सेवन सिक्स वन का निकालिए। 4 7 6 1। और सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करना। क्या आएगा?
वेरी गुड गुड एकदम करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड एकदम करेक्ट सभी बच्चे आंसर करो अब तक जो भी बच्चे आंसर कर रहे एकदम सही है हाँ बेटा इसके बाद पोल में ही मिलेगा सवाल एक बार मैं देख रही थी कि आपको कितना आया चलिए अब मैं करवाती हूँ तो सबसे पहले आप लोगों ने 41 और 47 का फिर आपने देखा 6 6 36 होता है 7 7 49 होता है तो लेकिन मुझे छोटा चाहिए अंक तो 6 6 36 लिया आपने 6 6 36 घटा दिया 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा 4 में से 3 जाएंगे 1 आएगा यहाँ से आपने 61 उतार दिया 6 में 6 जोड़ा कितना आया 12 आया अब यहाँ पे अंक आएगा कौन सा अंक लेंगे चलो स्टार्ट करते हैं 125 जा क्योंकि बड़ा अंक है इसलिए मैं 5 भी स्किप कर रही हूँ 5 5 25 दो हासिल 5 2 10 11 12 1 हासिल 5 1 5 और 1 6 625 लेकिन ये तो बड़ी संख्या है इसका मतलब 5 नहीं आएगा 129 9 जा करके देख लेते हैं क्योंकि 9 क्यों लिया क्योंकि 9 9 जा 81 होता है ना लास्ट में 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा 9 से कर दो डायरेक्ट 9 9 जा 81 8 हासिल 9 2 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 हासिल, 9, 1, 9, 9, 10, 11, 129, 9 जा, 1161 होता है, तो एक इसका आ गया, 69 का आ गया, सभी को आ गया समझ? एक बार दोबारा समझा तो, बेटा कौन सी स्टेप से नहीं आया, 6, 6 जा, 36 तक आ गया? यस मैम, 6 में 6 जोड़ा, 12 आया, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला स्टेप कि यहाँ जो अंक आता है वही तो यहाँ आता है तो मैंने क्या कर दिया 129 9 जा ले लिया डायरेक्ट क्यों लिया क्योंकि 9 9 जा 81 होता है यहाँ 1 है यहाँ आखिरी में 1 है तो 1 कब आएगा जब मैं 9 को 9 से गुणा करूंगी तो मैंने डायरेक्ट सोच लिया कि 9 आएगा पक्का 129 9 जा इतना होता है तो 69 का आ गया मैम यस बोलो मैम 129 कहाँ से आया बेटा ये आपने 6 में 6 जोड़ा ना 6 में 6 जोड़ा 12 आया क्या स्टेप yes, क्या कहता है 6 जब ऊपर आया उसी में वही अंक जोड़ देते हैं ना ऊपर 6 था नीचे भी 6 जोड़ दोगे 12 आ गया अब यहाँ पे एक अंक आएगा जो इसको पूरी तरह विभाजित करेगा अब वो अंक हम कैसे लेते थे वो हम अंक लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर सेम आना चाहिए तो मैंने क्या किया गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे 9 रख के देख लिया ठीक है मैंने सोचा चलो 9 रख के देखते हैं क्या आता है 129 को जो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1161 आया तो बस ऊपर भी 9 आ गया क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसे अंक आने चाहिए ना नियम तो यही है दोनों जगह अंक तो समान होने चाहिए क्लियर हो गया मैम आपने 47 में से 36 घटाए हैं क्या 47 में से 36 घटाए हैं हाँ बेटा वो तो घटाने ही पड़ेंगे ना घटाने सारे एक जैसे हैं बेटा ये जैसा पहला सवाल किया दोनों वैसी तो ये भी है कुछ अलग नहीं है करें एक सवाल पोल में यस मैम ठीक है निकालो
देखो ये तो आपको आता भी होगा, छोटा सा अंक है, 64 किस संख्या का वर्गमूल होता है, ये आपको याद भी होगा। ये तो कलर चार्ज हो जाएगा बेटा, माइक म्यूट करो, माइक ऑन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर किए, 9 के 9 बच्चों का ठीक है एकदम। वेरी गुड, बेटा ये जो लेट लेट क्लास में आ रहे हैं आधे आधे घंटे, ये नेक्स्ट टाइम से मैं क्लास में आने नहीं दूंगी। टाइमिंग आपको पता है ना कब होती है, फिर आधे आधे घंटे लेट क्यों आ रहे हो क्लास में? गुड, 16 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी करिए। सभी का आंसर आना चाहिए। 64 किस संख्या का वर्गमूल होता है? चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। मैम 2 मिनट रुक जाओ बस। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट। यस मैम। 5 4 3 2। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। बेटा डिंपल के नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट रहना चाहिए, माइक ऑन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। देखो इसको तो उस मेथड से करने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद है 1 से लेके 10 तक तो याद ही है ना। 64 मतलब 8 गुणा 8। जल्दी से गलत हो गया था बेटा, इतना इजी का भी गलत कर दोगे तो फिर कैसे चलेगा। 8 8 जा 64 होता है, आपको डायरेक्ट पता है कि 64 तो 8 का ही वर्ग होता है, वर्गमूल होता है। 8 8 जा 64। क्लियर सभी को? हर 2 में से 1 संख्या बाहर आती है ना, यहाँ 2 8 है तो 1 संख्या बाहर आ जाएगी, वर्गमूल हट गया। जो वर्गमूल के अंदर 2 1 जैसे नंबर होते हैं तो वर्गमूल के बाहर आने पे वर्गमूल कैंसिल हो जाता है ना, हट जाता है। अभी तो समझा था थोड़ी देर पहले। अगला सवाल करें। ठीक है यस मैम, एक और दे दो। देखो ये है बड़ा नंबर, इसका निकालो। 576 किस संख्या का वर्गमूल है? उसी तरीके से करना जिससे मैंने करवाया है।
576 किस संख्या का वर्गमूल होता है? देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलत होगा, इसलिए आराम से करिए क्वेश्चन को। छह में से पांच बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। वेरी गुड, 14 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है एकदम। गुड, वेरी गुड। 576 किस संख्या का वर्गमूल है? बोर्ड 21 बच्चों का आगे आंसर, लेकिन 6 बच्चों का आंसर गलत हो गया। वो भी अभी इतनी बड़ी भी संख्या नहीं दी है मैंने आपको, छोटा ही नंबर है, 3 अंकों का ये। हो गया सभी का? क्या और टाइम चाहिए? आखिरी के 5 सेकंड्स और काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। एकदम करेक्ट। चलिए तो आपने क्या किया, सबसे पहले लास्ट से पेयर बना लिए ना, यहाँ दो यहाँ एक। सबसे पहला 5 को भाग करने के लिए 2 दूनी 4 लोगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1 आया, यहाँ से 76 नीचे उतार दिया। अब जो संख्या ऊपर होती उसी में वही संख्या जोड़ देते हैं, 2 और 2 4। अब यहाँ पे वो अंक आएगा, यहाँ पे भी वही अंक आएगा, पर भी वही अंक आएगा। चलो शुरू करते हैं। 42 जा क्या होता है? 84 तो छोटा है 176 से। मैं लेती हूँ 44 4 जा 16 और 1 17, ये सही आ गया। 44 4 जा 176 आ गया ना, ऊपर और नीचे एक जैसा अंक। तो किस संख्या का वर्गमूल होगा? 24 का वर्गमूल हो जाएगा ये 24 का, तो इसलिए 20 का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया बेटा? ज्वाइन कर लो, आवाज नहीं आ रही। मैम बोल सकते हैं क्वेश्चन दे दे और बेटा अगला टॉपिक शुरू होगा। अब इतने ही सवाल थे इसके। सभी को क्लियर ना आवाज आ रही है? सभी को
मैम कट कट क्या आवाज आ रही है? कट कट क्या आ रही है? एक मिनट रुक जाओ. अभी मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? यस मैम. स्क्रीन नहीं आ रही. स्क्रीन आ जाएगी अभी बस. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम अगला टॉपिक है हमारा घन और घनमूल. ठीक है. क्यूब एंड क्यूब रूट. अब ये होता क्या है? देखो घन मतलब क्या होता है, जब हम किसी संख्या को उसी से गुणा कर दे. कितनी बार? उस संख्या को तीन बार गुणा कर दिया ना. संख्या को जब मैंने तीन बार आपस में गुणा कर दिया तो वही संख्या का क्या कहलाता है? घन कहलाता है. तो पांच को तीन बार गुणा किया क्या आएगा? 125. तो पांच का जो क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 125. क्लियर हो गया? फाइव का क्यूब 125. मतलब फाइव को मैंने तीन तीन बार मल्टीप्लाई किया है ना. सेम एट का यही है. आठ का जो घन होगा मतलब आठ की घात तीन. घन मतलब पावर में तीन, घात में तीन ना, तो तीन बार गुणा करना है. जैसे वर्ग में दो बार गुणा कर रहे थे, घन में तीन बार करना है. ठीक है. जैसे यहाँ पे तीन का दे रखा है 27, सात का दे रखा है 343. ठीक है. अब आपको कम से कम एक से लेके दस तक के तो याद होने चाहिए. ये आपके सामने टेबल में एक से लेके बीस तक के घन आपको देते हैं संख्याओं के. तो वन से लेके टेन तक तो आपको याद होने ही चाहिए. ये रहे वन से लेके टेन तक के. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब. मैम ले लिया. ठीक है. एक से लेके दस तक अगली क्लास में याद होने चाहिए सभी को. चलिए. अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूं यहाँ पे कि मैंने क्या किया, मैंने लिया ये संख्या, मैंने बोला चार का जो घन होता है उसका मतलब है चार गुणा चार गुणा चार, ये होता है 64 के बराबर. अगर मैं अंदर माइनस ले लूं, चार को जगह माइनस चार ले लू, माइनस चार का अगर घन निकालू तो क्या आएगा? माइनस चार गुणा माइनस चार गुणा माइनस का चार, जो 64 के बराबर होता है ना. लेकिन मेरे को यहाँ पे माइनस की संख्या दी है. मुझे पता है कि घात में तीन है, तीन एक विषम संख्या होती है ना, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर में माइनस का साइन आएगा, माइनस का 64. ठीक है. ये नियम आपको पता है ना, पहले भी बताया हुआ है कि आपको पावर देख के पता चल जाएगा कि आंसर में माइनस आ रहा है या प्लस, सम और विषम वाले से. ठीक है. क्योंकि माइनस की थी तो उत्तर माइनस का आया. ओके. अब इसके बाद एक और चीज आती है आपकी. मान लीजिए मैंने एक नंबर दे दिया 75 लिखा मैंने, और मैंने बोला 75 देखो क्या है किसी संख्या का घन है या नहीं है. तो आपने अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी. तीन से जाएगा, तीन दुनी छह, तीन पंजे 15, पांच पंजे 25, पांच एकम 5. 75 को क्या लिखोगे? 3 × 5 × 5. अब मुझे बताओ क्या 75 किसी संख्या का घन नजर आ रहा है आपको? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अलग नंबर है. यहाँ पे तीन अलग है, पांच और पांच दो बार लिखे हुए हैं. घन तभी होता जब यहाँ पे तीनों नंबर एक जैसे होते, सेम होते. लेकिन यहाँ तो तीन है और पांच दो बार लिखा है, इसलिए ये किसी संख्या का घन नहीं है. मतलब 75 है, किसी संख्या का घन कभी नहीं होगा. क्लियर हो गया? यस मैम. सभी लगा रहे हैं. यस मैम. इसलिए तीनों संख्याएं एक जैसी होनी जरूरी. ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन कर ले हम इसी पे. यस मैम.
आठ का घन निकालो, आठ का घन क्या आएगा? आंसर आप लोगों ने पोल में करना है। कीजिए आठ का घन। सिंपल से आपको पता है क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। मैम पोल में कितने का सही बेटा? 10 में से 9 बच्चों का ठीक है पोल में। वेरी गुड। आठ का घन क्या होगा, सवाल ये है आपका। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा अभी कर रही हूँ, सभी करिए जल्दी जल्दी आंसर। टाइम कर दिया, जल्दी कर दो काउंटडाउन स्टार्ट। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। एकदम करेक्ट। देखो आठ का घन का मतलब क्या है, आठ की घात 3, मतलब 8 को 3 बार गुना करना है। क्या आएगा? 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 8, 64 गुना 8 होता है 512, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है 512 ही तो होता है आठ का घन, तो 1 से लेके 10 तक इसलिए बोल रही हूँ याद होने चाहिए, अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट कर लोगे। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है घनमूल कैसे निकालते हैं। घन तो निकालना सीख लिया, आप घनमूल कैसे निकालें, उसके लिए आपको घनमूल होता क्या है पहले तो ये पता होना जरूरी है। घनमूल का जो चिन्ह होता है ना, जैसे वर्गमूल का चिन्ह ये होता है सिंपल, घनमूल का चिन्ह होता है मान लीजिए मैंने कोई अंक लिखा 125, यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा, घनमूल में आपको 3 लगाना पड़ेगा। 3 क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है घन मतलब 3 होता है, तो घनमूल में इस चिन्ह के साथ आपको 3 ऊपर लगाना पड़ेगा तो वो घनमूल बन जाएगा। अगर आपको ये चिन्ह नहीं लगाना तो आप क्या लिखोगे? सिंपल 125 की घात 1/3। जैसे वर्गमूल में आप क्या कर रहे थे, वर्गमूल में वर्गमूल हटा के घात 1/2 हो रही थी, वैसे ही घनमूल में घात 1/3 होती है। सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, 3 है तो 1/3 और वर्गमूल है तो घात 1/2, दोनों में ये अंतर है। मैम आपने दूसरे वाला कैसे किया था? बेटा दूसरा वाला वर्गमूल है ना, आपको पता है वर्गमूल मतलब क्या होता है, वर्गमूल वर्ग मतलब 2 ना, तो वर्गमूल मतलब क्या हो जाएगा, घात 1/2। ठीक है हाँ, चलो अब निकालना सीखते हैं कैसे निकालते हैं। मुझे निकालना है 125 किस संख्या का वर्गमूल है, तो इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी पड़ेगी। तो निकालो, 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, यही आएगा।
मतलब 125 को आप क्या लिखोगे, 5 × 5 × 5। सही लिखा है मैंने, तो 25 मतलब 5 × 5 × 5। अब आपको पता है कि घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनते हैं ना, तीनों संख्या एक अंक एक जैसे होने चाहिए, तीन के जोड़े बन गए। हर तीन के जोड़े में से एक अंक बाहर आ जाता है और उसके ऊपर का जो वर्गमूल है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 5 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 3 5 थे, उसमें से एक अंक बाहर आ गया तो वर्गमूल का साइन हट गया, इसलिए 5 इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे मैंने वर्गमूल सिखाया था वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये साइन नहीं लगाया ना होता तो आपको क्या लिखना पड़ता है, घात में 1/3। अगर आपने चिन्ह नहीं लगाना तो घात में सिंपल 1/3 लिख दोगे। ठीक है, अब 5 यहाँ कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा है ना, तो क्या लिखोगे, 5 की घात 3, उसकी घात 1/3। सही लिखा है मैंने, अगर आपने घात 5 3 बार लिखा है तो क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 ना, और 1/3 उसकी होल पावर चल रही है। तो जैसा हमने वर्गमूल में करा था, ये वाला नियम लगाया था, a की घात n की घात n, दोनों घातों की गुणा हो जाती है, यहाँ पे भी वही होगा, 3 × 1/3। 3 से 3 कट गया, क्या आया, 5 की घात 1, मतलब 5 इसका उत्तर है। आगे सबको समझ, इसको कॉपी में उतार लीजिए। कॉपी में उतार लो, फिर एक संख्या दूंगी मैं आपको जिसका आपने घनमूल निकालना है। मैं उतार लिया। उतार लिया, चलिए। सवाल है, निकालो कि 729 किस संख्या का घनमूल होता है, 729, और इसका आंसर चैट सेक्शन में करना सभी। वेरी गुड, बड़ी जल्दी आ गया आंसर। गुड, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई नहीं और डायरेक्ट आंसर बता दिया क्योंकि याद होगा। चलो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते हैं, 3 से जाएगा, 3 × 6, 3 × 12, 3 × 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 8 = 24, 3 1 = 3, फिर 3 से, 3 2 = 3, 3 2 = 6, 3 7 = 21, फिर 3 से, 3 9 = 27, फिर 3 से, 3 3 = 9, फिर 3 से, 3 1 = 3। मतलब 729 को क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 × 3 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि तीन तीन के जोड़े बनते हैं ना, ये 3 और ये 3, तो यहाँ से 1 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, वर्ग घनमूल हट जाएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे, 9 इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे किया है सभी ने? यस मैम। क्लियर हो गया सभी को सवाल? Yes, देखो, yes, आज तो हमने सीखा कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जब अगली क्लास होगी ना, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और 5 सेकंड के अंदर ही बड़ी से बड़ी संख्या का हम घनमूल निकालना सीख लेंगे। तो आज टाइम है नहीं, पर अगली क्लास में हम करेंगे उस वाले मेथड। मैं होमवर्क शेयर कर दो। हाँ बेटा, मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ, रुक जाओ।
वर्गमूल निकालने वाली जो एक्सरसाइज है आपकी 29.1 और 29.2 करना है आपको, ये ना देखो इसी मेथड को सीखा है ना आज हमने वर्गमूल निकालने का। आप आराम से इन बॉक्सेस को फिल कर सकते हो 29.1 और 29.2, ठीक है नोट डाउन कर लीजिए सभी। मैम हमारी में 29.2 नहीं है बेटा, बहुत नीचे है, पेज नंबर 44 खोलो मिलेगी, नहीं भी है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कल तो होमवर्क आपके ग्रुप में आ ही जाएगा, वहां से देख लेना। मैम मिल गया, नहीं है कोई बात नहीं, चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम मिल गया, मिल गया, यस मैम, ठीक है, वेरी गुड बेटा, रेनू के नाम से बच्चा है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ये बच्चा कितना सुंदर कॉपी बनाते हैं, हमेशा कभी ऐसी कॉपी में लिखा करो, देखो कितना सुंदर लिखा है, और हमेशा कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगी कोई चीज समझने में, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, अगली क्लास में आगे का देखेंगे।